السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، والنهي عن بصاق المصلي بين يديه مع يمينه. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر هوگا کی عمر 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 ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم اقبل على الناس فقال: اذا كان احدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فان الله قبل وجهه اذا صلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा बुसाक क़िबला की दीवार में, बाकी दम्मा के साथ है बुसाक। इसलिए में कई अल्फाज आते हैं। बुसाक किसी रिवायत में है नुखामह, एक रिवायत में है मुखात। तो इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क किया है अहले लुगत ने। नाक से जो फुजला आता है उसको मुखात कहते हैं, और बुसाक और बुजाक दोनों एक ही माना में है। जो फुजला मुंह से आता है, बलगम वगैरह जो मुंह से आता है, उसको बुसाक और बुजाक कहते हैं। और नुखामह और नुखाअह दोनों एक ही माना में है। ये मुंह से आता है उसको भी बोलते हैं और सर से आता है उसको भी बोलते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा फर्क है। मकसद ये है कि जब आदमी नमाज पढ़े तो अपने सामने कोई गंदी चीज ना डाले, चाहे नाक का फुदला हो, चाहे मुंह का बलगम हो, चाहे सर से आए, चाहे सीने से आए। तो एक मर्तबा का वाकया जिक्र किया है कि क़िबला की दीवार में किसी ने थूक रखा था, फहक कहू हक का हुक्को हक्कन, तो आपने उसको खुरच दिया। फिर लोगों पर मुतवज्जे हुई और फरमाया, इज़ा काना अहदुकुम युसल्ली, जब तुम में से कोई नमाज पढ़े तो न थूके अपने चेहरे के सामने, इसलिए कि बेशक अल्लाह ताला उसके चेहरे के सामने होता है जब वो नमाज पढ़ता है। अल्लाह ताला चेहरे के सामने होता है, उसको दूसरी रिवायत में कहा गया फैनर रहमता तो आज हू, कि जब नमाज पढ़ता है तो रहमत इलाही उसके सामने होती है। तो ऐसा काम ना करे कि जो रहमत के मुनाफी हो। अब आगे कई रिवायतें हैं, सबका मफहूम यही है, किसी में बुसाक होगा तो किसी में बुजाक होगा, किसी में मुखात होगा। इसलिए आगे बढ़ जाइए, आप बढ़ जाइए, मेरी किताब में है हदीस नंबर 1227। ये कुतैबा बिन सईद अन मालिक बिन अनस है। قال وحدثنا قريبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة أو مخاطا أو مخامة فحكته. اب یہاں کئی الفاظ ذکر کر دیے ہیں، یہ ہشام بن عروة اور ان کے باپ عروة، یہ دونوں تابعی ہیں، روایت التابعی یعنی تابعی ہے۔ فیما قرئ علیہ، جانتے ہیں کہ मुहद्दिस कब कहता है फीमा कुरिया अलैहे या करातु अलैहे। जब मुहद्दिस यानी शेख के पास जब तलबा हदीस पढ़े, कोई तालिब इल्म पढ़े और बाकी सुने और शेख उसकी तस्दीक करे, तो उसको कहेंगे करातु अलैहे या फीमा कुरिया अलैहे। ये अनस बिन मालिक से रिवायत है, उस हदीस में रिवायत है जो उन पर पढ़ी गई थी।
बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा थूक को किबला की दीवार में, और मुखातन या मुखात को देखा, यानी जो नाक से फुजला आता है, और नुखामतन या बलगम को देखा, फहक कहूँ तो उसे खुरच दिया। इससे जहाँ ये बात साबित होती है कि मस्जिद में ये सब चीज़ें नहीं डालनी चाहिए और सामने नहीं डालना चाहिए, आगे रिवायतों में आएगा कि दाएं तरफ नहीं डालना चाहिए, और ये भी साबित होता है कि अगर मस्जिद के अंदर कोई गंदगी नजर आए तो आदमी को उसको साफ कर देना चाहिए। हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उम्मत की तमाम अच्छाइयों का और बुराइयों का अजर व सवाब दिखाया गया, और ये भी दिखाया गया कि मस्जिद से जो आदमी एक तिनका हटाता है तो वो भी बाईस अजर व सवाब है। तो मस्जिद की सफाई सुथराई का ये बड़ी फजीलत है। आगे पढ़िए। قالوا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية عن قال زهير حدثنا ابن علية عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه فإذا تنقع أحدكم فليتنقع عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. इसमें एक तो दकीक़े इल्मिया है और लतीफ़तुल इसनाद भी है। दकीक़े इल्मिया है, ऊपर है जमीयन अन इब्न उलैया, यानी ये दोनों शुयूख जो हैं अबू बकर बिन अबू शैबा और ज़ुहैर, ये इब्न उलैया से रिवायत करते हैं, लेकिन दोनों शेखों के सेगे में फ़र्क है। ज़ुहैर शेख ने कहा है हद्दसना इब्न उलैया, इसका मतलब कि अन इब्न उलैया जो है ऊपर, ये अबू बकर शेख का सेगा है, तो अन और हद्दसना का फ़र्क बताया है। और लतीफ़ा है अबू राफे अन अबी हुरैरा रिवायतु सहाबी अनिस सहाबी, सहाबी सहाबी से रिवायत करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा बलगम किबला की मस्जिद में, तो लोगों पर मुतवज्जे हुए, फिर फरमाया क्या हाल है तुम में से एक का जो खड़ा होता है अपने रब का इस्तकबाल करते हुए, फयतनख़ौ अमामहू, तो अपने सामने थूक देता है, क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि उसका इस्तकबाल किया जाए फिर उसके चेहरे पर थूक दिया जाए। फैजा तनख, फिर आपने तरीका बताया कि जब तुम में से कोई थूके तो चाहिए कि अपने बाएं तरफ थूक दे। ये कच्ची मस्जिदें होती थी, रेत वगैरह पड़ा रहता था, उस वक्त बाएं तरफ थूकने की इजाजत थी। अब आजकल मस्जिदें शानदार बन गईं और कालीन चटाई दरी वगैरह बिछी रहती है, तो वहां नहीं थूकना है, अपने बाएं तरफ थूक दे तहता कदम ही अपने पैर के नीचे, यानी थूक करके उसी पर रेत वगैरह डाल दे। बस अगर ना पाए तो चाहिए कि कहे यानी करे इस तरह, ना पाए यानी थूकने की जगह ना पाए तो क्या करे, इस तरह कर ले। और कासिम जो रावी हैं उन्होंने वो तरीका बयान किया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया था। कैसे बयान किया, तफला फी सबही, उन्होंने अपने कपड़े में थूका, सुम्मा मसा बादहु अला बादिन, फिर बाद कपड़े को बाद कपड़े पर मसह कर दिया, यानी कपड़ा कपड़े पर रगड़ दिया। इससे मालूम हुआ, जो ऊपर वाली हदीसों से साबित हुआ वो इससे भी,
और इससे एक बात ये साबित हुई कि ये नाक का फुदला, मुंह का फुदला, बलगम, ये सब जो है नापाक नहीं है। हाँ गंदी चीज है, ये गंदी चीज है लेकिन नापाक नहीं है। अलबत्ता इमाम खत्ताबी ने इब्राहिम नखई के बारे में जिक्र किया है कि इब्राहिम नखई कहते थे कि अल बुदाको नजिसुन, बुदाक जो है ये नजिस है। लेकिन उस पर इमाम खत्ताबी अपना तबसरा जिक्र कर रहे हैं, वला अज़ुन्नुहु यसिहु अन्हु। मेरा ख्याल है कि इब्राहिम नखई के बारे में जो उन्होंने बात नकल की है वो सही नहीं लग रही है। और इससे मालूम हुआ कि थूकने से नमाज पर फर्क नहीं पड़ता, नमाज बातिल नहीं होगी। इसके बाद शैबान बिन फर्रुख वाली भी यही है, तो उसको छोड़ करके उसके नीचे वाली पढ़ लीजिए। إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. قتادة مدلس ہیں لیکن انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ان کے صیغہ سے، سمیتو قتادتا یحدثو عن انسین، لیکن یہاں تحدیث کی صراحت کر دی ہے اور آگے کہیں کہیں اور زیادہ صراحت کراتے ہیں یہ شعبہ، کیونکہ یہ تدلیس کے معاملے میں بڑے سخت تھے اور کہتے تھے التدلیسو اخو القذب، یہ جھوٹ کی بہن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو بے شک وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، ناجا یوناجی مناجاتن، سرگوشی مناجات کا معنی ہوتا ہے چپکے چپکے کسی سے بات کرنا۔ ظاہر ہے بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور تسبیح تحلیل کرتا ہے، تو دھیرے دھیرے گویا اللہ تعالیٰ سے وہ ہم کلام ہوتا ہے۔ فلا یبزقن بین یدیہ ولا عن یمینہ، لہذا ہرگز نہ تھوکے اپنے سامنے اور نہ اپنے دائیں طرف، ولیکن عن شمالہ تحت قدمہ، اور لیکن اپنے بائیں طرف تھوکے اپنے پیر کے نیچے۔ یہ بائیں طرف اس صورت میں ہے جب بائیں طرف کوئی آدمی نہ ہو تب۔ چلو قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا، یہ بھی دقیق علمیہ ہے، یعنی دونوں میں روایت کے صیغے کا فرق ہے۔ عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المساق في المسجد خطيئة وكفارتها للكهان۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البذاق فی المسجد خطیہ، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اس کو دفن کرنا ہے۔ دفن کا دو مفہوم ہے، دو معنی ہے۔ جمہور علماء کہتے ہیں کہ دفن سے مراد یہ ہے کہ اس کو مٹی میں، ریت میں، کنکری میں دفن کر دے، دبا دے۔ اگر وہاں ریت اور مٹی وغیرہ ہے تو وہاں دبا دے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ دفن کا معنی ہے اس کو نکالنا اور صاف کرنا، چاہے کسی چیز سے پوچھ کر کے صاف کر دے، پانی سے دھو کر کے صاف کر دے، جیسے بھی صاف کرے، تو دفن سے مراد ہے صاف کرنا۔ چلو دوسری حدیث بھی اسی کے ہم معنی ہے، لیکن اس کو پڑھ لیجئے۔ قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة قال سألت قتادة عن التفل في المسجد فقال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التفل في المسجد خطيئة وكفارتها هذا الكهان۔ شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے قتادہ سے مسجد میں تھوکنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا سمیتو انس بن مالکن، اوپر تھا نا ان قتادہ ان انس بن مالکن، لیکن یہاں سما کی صراحت ہے۔
ये वसूल गुजर चुका है कि सहीहैन में मुदल्लिसीन की जो रिवायतें सीगे अन से हैं वो इस बात पर महमूल की जाती हैं कि कोई जहत और कोई सनद शेखैन के पास ऐसी ज़रूर होगी जिसमें समा की और तहदीस की सराहत होगी। चुनांचे कहीं कहीं वो दूसरी सनद जिक्र कर देते हैं। अब ऊपर था अन कतादा अन अनस इब्ने मालिकिन, सीगे अन से रिवायत थी, तो जो आम उसूल है उसके लिहाज से मकबूल नहीं होनी चाहिए ये रिवायत, लेकिन इसमें सराहत कर दी दूसरी रिवायत जिक्र करके कि यहाँ अगरचे अन के सीगा से रिवायत किया है लेकिन दूसरी रिवायत है कतादा की जिसमें उन्होंने समेतों की सराहत की है। कतादा मुदल्लिस रावी है? हाँ मुदल्लिस हैं। قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء الضبابي وشيبان بن حروث قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل بن ابي عيينه عن يحيى بن عبيد عن يحيى بن يعمر عن ابي الاسود الديلي عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غلظت علي اعمال امتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن اعمالها الاذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوي اعمالها الرفاعة تكون في المسجد ذات الفن. तो यहाँ भी लतीफतुल इसनाद है, यहया बिन यामर और अबुल असवद दीली, दीली पढ़ें या दो अली पढ़ें दोनों तरह पढ़ सकते हैं, ये दोनों ताबेई हैं। यह अबुल असवद दीली वही हैं जो नहव के मूजिद हैं। अबू दर रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि मेरे पास पेश किए गए मेरी उम्मत के आमाल यानी अच्छे बुरे तमाम आमाल, हसन उहा व सय्योहा, हा का मर्जा वही आमाल हैं, यानी आमाल में से अच्छे आमाल भी पेश किए गए और उनमें से बुरे आमाल भी पेश किए गए। तो मैंने उनके अच्छे आमाल में से पाया अल अज़ा, गंदगी को जिसे रास्ते से हटा दिया जाए। जाहिर है कि आम रास्ता हो कोई गंदी चीज हो, हाँ अदा ये आम है, गंदी चीज को भी कहते हैं और तकलीफ देह चीज को भी कहते हैं। तो तकलीफ देह चीज तर्जमा करें तो गंदगी भी उसमें शामिल हो जाएगी, कांटा पत्थर ईंटा ईंट रोड़ी सब उसमें शामिल हो जाएगा। तकलीफ देह चीज को जो हटा दी जाए रास्ते से, और मैंने पाया उम्मत के बुरे आमाल में बलगम को जो मस्जिद के अंदर हो और उसे दफन ना किया जाए यानी उसको साफ ना किया जाए। अब जाहिर है देखने वाला अगर देख करके छोड़ देता है तो वो भी गोया गुनाह में शरीक होगा, तो जब वो देखने वाला साफ ना करे गुनाह में शरीक होगा, तो जो ऐसा गंदा काम करे मस्जिद में थूक है जाहिर है कि वो बदरजे औला गुनाहगार होगा। चलो अब आगे बाप पढ़ो। جي باب جواب الصلاه في النعلين قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا بشر بن المفضل عن ابي مسلمه سعيد بن يزيد قال قلت لانس بن مالك اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين قال نعم. तो मालूम हुआ कि जूता चप्पल पहन करके नमाज पढ़ना जायज है, इसीलिए इस बाब में इसको जिक्र किया है। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, सहाबे किराम आपके पीछे थे, तो नमाज की हालत में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको खबर दी कि आपके जूतों में गंदगी लगी हुई है। आपने उसे निकाल करके बगल रख दिया और नमाज पढ़ाते रहे। सहाबा ने देखा कि आप अपने जूते निकाल रहे हैं अलग रख रहे हैं, तो उन्होंने भी अपने जूते निकाल दिए। नमाज से फारिग होने के बाद आपने फरमाया कि तुम लोगों ने क्यों जूते निकाल दिए? उन्होंने कहा कि हमने देखा कि आप जूते निकाल रहे हैं तो आपको देख के हमने भी निकाल दिए। तो आपने तरीका बताया कि निकालने की जरूरत नहीं है, जब तुम में से कोई नमाज पढ़ने का इरादा करे तो अच्छी तरह गौर कर ले जूते में कोई गंदगी तो नहीं लगी है।
अगर गंदगी लगी है तो उसको अच्छी तरह से रगड़ दे जमीन पर, मिट्टी में, वो पाक हो जाएगा और फिर उसके बाद पढ़ ले। और अगर गंदगी लगी नहीं लगी है तो वैसे भी पढ़ सकता है। चलो, ये उस वक्त था जब आम तौर पर लोग मैदान में, रेगिस्तान में, कंकरीली जमीन पर नमाजें पढ़ते थे। अब तो मस्जिदें हो गई हैं, साफ सुथरी हो गई हैं, तो अब लोगों ने जूते चप्पल रखने की जगह बना रखी हैं। अगरचे मस्जिदों में चोरियां होती हैं, लेकिन क्या करेगा आदमी, चोर तो कहीं भी चोरी कर सकता है। आगे वाला बाप पढ़िए। باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلى. قال حدثني عمرو بن الناقد وزهير بن حرب الحاء قال وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لزهير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام وقال شغلتني أعلام هذه فاذهبوا بها إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانية. वल्लफ़ो ले ज़ुहैरिन, इसको भी दकीक़ इल्मिया कहा जाएगा। यानी बताना चाहते हैं कि हदीस के जो अल्फाज में ज़िक्र कर रहा हूँ वो मेरे शेख ज़ुहैर के हैं। और लतीफ़तुल इसनाद भी है, ज़ुहरी और उरवा दोनों ताबिई हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी फ़ी ख़मीसतिन लहा आलामुन, अपनी नमाज पढ़ी एक ऐसी चादर में जिसके नक्शो निगार थे, आलम की जमा आलाम, जिसके नक्शो निगार थे। और फरमाया कि शगलतनी आलाम हाजी, इसके नक्शो निगार ने मुझे गाफिल कर दिया, लिहाजा तुम इसे ले जाओ अबू जहम के पास और लाओ तुम मेरे पास उनकी अंबिजानी चादर को, उनकी अंबिजानी चादर को ले आओ। असल में खमीसा जो है ये नक्शो निगार वाली चादर होती है, धारियां होती हैं। ये अबू जहम रजी अल्लाह अन्हो ने आपको बतौर हदिया दिया था। तो चूंकि उस वो आपके शान के खिलाफ साबित हो गई, आपने सहाबा से कहा कि भाई ले जाओ इसे अबू जहम को वापस कर दो। अब अगर वापस करके छोड़ देते, दूसरी चादर ना मांगते, तो उनकी दिल शिकनी होती। तो इनकी दिलजोई के लिए आपने फरमाया कि ये वापस करके उनसे कह दो कि अंबिजानी चादर दे दें। ये अबू जहम है, इनका नाम है आमिर बिन हुज़ैफा बिन गानिम, कुरैशी अदवी मदनी। और एक दूसरे सहाबी हैं, वो अबू जुहैम हैं, उनकी कुनियत अबू जहम नहीं बल्कि तस्गीर वाली कुनियत है अबू जुहैम। तो उनका नाम है अबू जुहैम का, इनकी रिवायत उसमें आती है तैमूम वाले वाली हदीस में जी सर। तो उनका नाम है अब्दुल्ला बिन जुहैम बिन हारिस बिन सिम्मा अंसारी खजरजी। ये दोनों अलग अलग हैं। और अबू जहम रजी अल्लाह अन्हो इस चादर के लिहाज से मशहूर हैं और दर्राबुल लिन्नसा, औरतों को बहुत पीटते। कौन ये अबू जहम पीटते थे? अबू जहम नहीं, अबू जहम। अबू जहम फातिमा बिनते कैस रजी अल्लाह अन्हो के, रजी अल्लाह अन्हा के शौहर ने तलाक दे दी थी। तो आपने इसे फरमाया था कि जब इद्दत से बाहर होना तो तुम मुझे बताना, यानी बगैर मेरी इत्तला के, बगैर मुझे बताए तुम शादी ना कर लेना। आपने सोचा कि कोई मुनासिब रिश्ता होगा तो मैं मशवरा दूंगा। तो जब इनकी इद्दत पूरी हुई तो आपके पास आई
और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास मुआविया बिन अबू सुफियान का और अबू जहम का पैगाम निकाह आया हुआ है। तो आपने दोनों पैगामों को रद्द कर दिया और फरमाया अम्मा मुआविया तो फसअलूकुन ला माला लहू व अम्मा अबू जहम फजर्राबुल लिन्नसा ला यदाउ असाहु अन आतकी। बहुत मारते हैं, हमेशा लाठी लिए तैयार रहते हैं। इसे ये भी मालूम होता है कि शादी ब्याह का मामला जो है बड़ा नाजुक होता है। अगर किसी से कोई राय मशवरा ले, बहुत माकूल और मुनासिब राय देनी चाहिए। बहरहाल ये खमीसा तो उसमें आ ही गया, लहा आलम नक्श निगार वाली चादर। अम्बेजानी चादर क्या होती है, इसमें उलमा की कई राय हैं। सालब कहते हैं कि हर मोटे कपड़े को अम्बेजानी कहते हैं। सालब के अलावा दूसरे अहले लुगत ने कहा है कि मोटी चादर जिसमें नक्शो निगार ना हो, मोटी चादर। तो गोया सालब कहते हैं हर मोटे कपड़े को, और दूसरे लोग कहते हैं कि मोटी चादर हो जिसमें नक्शो निगार ना हो, और नक्शो निगार अगर चादर में है तो उसको खमीसा बोलेंगे। दाऊदी कहते हैं कि एक मोटी किस्म की चादर होती है जो कैसा और अबाआ के दरमियान होती है, वो भी चादर की अलग अलग किस्में हैं। और कादी अबू अब्दुल्ला कहते हैं, ये चौथा कौल है कादी अबू अब्दुल्ला, कि अम्बेजानी ऐसी चादर को कहते हैं जिसका ताना रुई का हो, सूती या अलसी का। अलसी जानते हैं ना, तीसी, तीसी कहते हैं हमारे अपने यहां तीसी। ऐसी चादर जिसका ताना रुई का या अलसी का हो और बाना ऊन का हो। ताना बाना जानते हो जी सर, वो साड़ी बुनते हैं तो उसमें ताना बाना का काम करते हैं। हाँ, जो सीधा धागा नहीं होता है कपड़े में, जो हम आप पहनते हैं उसमें एक सीधा धागा होता है लंबा लंबा, और वो तान करके करघे पर या मशीन पर तानते हैं, पहले लंबा लंबा तान करके फिर कोई ऐसी चीज ना रखे साथ, सामने या अपने पास अपने साथ, जिससे नमाज में खलल पड़े, खुशू और खुदू में कमी आए। इसलिए कि नमाज के अंदर जितना ज्यादा खुशू होगा उतना ही ज्यादा उसका अजर व सवाब बढ़ेगा। चलो أخبرني عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام فنظر إلى علمها فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهل بن حذيفة وأتوني بأنبجانيه فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. يهاب بسند كي اندر لطيفة ابن شهاب اور عروة بن الزبير دونوں تابعين ہیں. जी कुछ बोल रहे थे। हाँ, किसी ने सवाल किया है चैट बॉक्स में, लिखा है कि अहले अरब उख्त ज्यादा क्यों इस्तेमाल करते हैं अख के बजाय, जैसे काना और उसके अखवात इस तरह कहते हैं, या इसी तरह से कहते हैं अत्तदलीस उख्तुल कदीब, अख क्यों नहीं कहते हैं, किसी ने सवाल किया है। काना और उसके अखवात होता नहीं कहते ना, अखवात नहीं, ये शोभा वाला मेरा ख्याल है अखुल कदीब है। शोभा वाला जो कौल है अत्तदलीसो अखुल कदीब,
हाँ, कोई ऐसी खास वजह नहीं है। अगर कोई चीज, कोई लफ्ज मुजक्कर है, हाँ कोई चीज मुजक्कर है तो उसको जाहिर है अख कहेंगे, अखो फलानिन, और मुअन्नस है तो उसको उख्त कहेंगे। हाँ, और कोई खास वजह नहीं है। चलिए, यह हदीस भी वही है, अबू बकर बिन अबू शैबा वाली भी छोड़ दीजिए और बाब की बाब को पढ़िए। باب باب ہے نا، الكراهية باب کراہت الصلاة بحضرت الطعام، باب الكراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخمتين. قال أخبرني عمرو بن ناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. हाँ, ये आयन के फतहा के साथ है आशा, ये रात के खाने को बोलते हैं, और आयन के कसरा के साथ ये पंजगाना नमाजों में से एक नमाज है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आशा हाजिर हो, यानी रात का खाना हाजिर हो, दस्तरखान पर लग जाए, वो कीमती सलातू, और नमाज के लिए इकामत कही जाए, तो खाने के साथ इब्तिदा करो, यानी पहले खाना खा लो उसके बाद नमाज पढ़ने जाओ। इसकी वजह यही है कि खाना मौजूद है, भूख लगी है आदमी को, तो उस सूरत में अगर नमाज पढ़ने जाएगा तो खुशु और खुदु में कमी होगी। इसलिए शरीयत में इजाजत दे दी गई कि नमाज पढ़ लो उसके बाद खाना खा लो उसके बाद नमाज पढ़ लेना। چلو آگے. قال حدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن ابن شهاب قال حدثني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قرب العشاء وحضرت الصلاه فابدؤوا به قبل ان تصلوا صلاه المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. عجل يعجل سميع سي ولا تعجلوا عن عشائكم، اور رات کے کھانے سے जल्दी ना करो, यानी जल्दबाजी में तुम भागो नहीं बल्कि इत्मीनान से पेट भर के खा लो तब जाओ। इसके बाद वाली भी एक दो तीन, तीन रवायत छोड़ करके चौथी पढ़िए, यानी मोहम्मद बिन अब्बाद वाली। मोहम्मद बिन अब्बाद قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم هو بن اسماعيل عن يعقوب بن مجاهد عن ابن ابي عتيق قال تحدثت انا والقاسم عند عائشه رضي الله تعالى عنها حديثا وكان القاسم رجلا لحالة وكان لام ولد فقالت له عائشه ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن اخي هذا اما اني قد علمت من اين اتيت هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك قال فغضب القاسم وأضب عليها فلما رأى مائدة عائشة قد أوتي بها قام قالت أين قال أصلي قالت اجلس قال إني أصلي قالت اجلس غدر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبث. इस सनद में हुआ बनो इस्माइल, ये दकीक़ इल्मिया का बयान है, और याकूब बिन मुजाहिद इब्ने अबू अतीक से रवायत करते हैं, अबू अतीक के बेटे से रवायत करते हैं। इनका नाम है इब्न का अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक, यानी अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु के जो बेटे अब्दुर्रहमान हैं, मशहूर हैं, तो अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर के ये पोते हैं, अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान। तो उन्होंने कहा कि मैंने और कासिम ने आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पास एक हदीस के बारे में गुफ्तगू की, और कासिम रजुलन लहानतन, लहना यलहनों से मुबालगा है, लहन कहते हैं एराबी गलती को, जो बोल चाल में एराबी गलती करे।
कासिम एराबी गलते करने वाले आदमी थे और वो उम्मे वलद के से पैदा हुए थे। काना ले उम्मे वलदिन, उम्मे वलद के बेटे थे। उम्मे वलद किसको कहते हैं? अरे लफ्जी माना तो हुआ बच्चे की माँ। लौंडी को, जिस लौंडी को आका के नुत्फे से बच्चा पैदा हो वो उम्मे वलद होती है, उम्मे वलद कहलाती है। और जो उम्मे वलद होती है उसको आदमी बेचबोच नहीं सकता, यानी लौंडी के बच्चे थे ये कहना चाहती हैं, लौंडी के बच्चे थे। तो उनसे आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, यानी कासिम से, मालका क्या बात है तेरी, तू नहीं बात करता है जैसा कि मेरा ये भतीजा बात करता है। यानी इब्ने अबू अतीक के बारे में कहा कि वो उसकी जुबान तो बड़ी साफ है, वो बहुत अच्छा बोलता है, गलती नहीं होती है। अमा सुनो सुनो, ये तंबीह के लिए है, यानी पहले सवाल किया और खुद ही अब जवाब दे रही हैं। सुनो, बेशक मुझे मालूम है मिन ऐना उतीता, ये चीज तुम्हें कहां से दी गई, यानी ये गलती जो तुम कर रहे हो वो कहां से पैदा हुई। हाजा अदबत हो उम्मुहु, ये वो लड़का है जिसको उसकी माँ ने अदब दिया है, और तू वो लड़का है जिसको तेरी माँ ने अदब दिया है। यानी उसकी माँ हुर्रा और आजाद थी, उसने अच्छी तरबियत की उसकी, इसलिए उसकी जुबान ठीक हुई। और तुम्हारी माँ लौंडी थी तो उसने तुमको अदब दिया है, उसका असर तुम्हारे जुबान पर है। खाला रावी कहते हैं फ़ग़ज़ब अल-क़ासिम अज़ब अलैहा, अरब वाले कहते हैं अज़ब अला गिल्लिन फी क़ल्बिही, यानी दिल में कीना छुपा रखा है। तो ग़ज़ब अल-क़ासिम, तो क़ासिम नाराज हो गए, गजबनाक हो गए। वह अज़ब अलैहा, और उनके खिलाफ दिल में कीना रख लिया। आगे कहते हैं फलम्मा रा माइदता आयशा, जब उन्होंने यानी कासिम ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का दस्तरखान देखा, कद उतिया बेहा कि उसे लाया गया है, तो खड़े हुए, यानी रात का खाना पेश होने वाला था, दस्तरखान बिछ चुका था, खाना लाया जाने वाला था, तो वो खड़े हो गए। उम्मुल मोमिनीन ने कहा ऐना कहाँ जा रहे हो? कहा मैं नमाज पढ़ूंगा। उन्होंने कहा इजलिस बैठ जा। कहा इन्नी वसल्ली, मैं नमाज पढ़ूंगा। कहा गद्दार तू बैठ जा, इजलिस गदरो, ए गद्दार तू बैठ जा। अब जाहिर है कि ये सख्त जुमला है, उन्होंने एक मर्तबा कहा कि बैठो खाना खाओ फिर नमाज पढ़ना, तो इन्होंने कहा नहीं मैं नमाज पढ़ूंगा फिर खाना खाऊंगा। तब नाराज होकर के कहा इजलिस गदर, क्योंकि ये उम्मुल मोमिनीन हैं और उनकी फूफी हैं, उम्र में उनसे बड़ी हैं, और उनकी मुअल्लिमा कह लीजिए या मुअद्दबा कह लीजिए या नासिहा कह लीजिए, तो उनकी कदर नहीं की, उनका एहतराम नहीं किया, इस वजह से उन्होंने ये सख्त जुमला कहा इजलिस गदर। तो बड़ा कभी छोटे को इस किस्म का सख्त जुमला बोल देता है, जैसे वो कौन मोहम्मद बिन जाफर है ना, मोहम्मद बिन जाफर जिनका लकब गुंदर था, हसन बसरी के दर्स में शरीक हुए तो किसी हदीस के मामले में शोर शराबा हुआ, इनके जो साथी थे शोर शराबा कर रहे थे, तो इन्होंने भी शोर शराबे में हिस्सा लिया, तो उन्होंने कहा क्या कहा, उसकुत गुंदर, ए शोर करने वाले तो चुप हो जा। इन्नी समय तो रसूलुल्लाह सल्लम यकूलो, आप फरमा रहे थे कि नहीं है नमक खाने की मौजूदगी में, वला
वला सलाता, और नहीं है नमाज इस हाल में कि दफा करें, धक्का दें उसको दो खबीस अखबासों से मुराद ना, यानी यहाँ मुदाफात का लफ्ज है। इसका मतलब कि अगर हल्का हल्की फुल्की जरूरत हो पेशाब पखाने की तब पढ़ सकता है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुदाफात वाली कैफियत यानी पेशाब पखाना का तकाजा है कि आदमी जाए और जरूरत पूरी करे और आदमी उस, तो गोया दोनों तरफ से मुदाफात है, तो मुदाफात वाली सूरत ना पैदा हो। चलो अब घंटी भी शायद लगने वाली होगी, अब जरूरत है।